हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल में दिख भी रहा है कि हम हमारी इस वीडियो में फिजिक्स सिलेबस से रूबरू होंगे। हम अपने पूरे साल का एक लेआउट बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे कि हमें पूरे साल में क्या क्या फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी एम को अचीव करने के लिए दो चीज़ें जो हैं हमारे पास में वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। एक, प्लानिंग क्या है आपकी उस एम को लेकर के, उस ऑब्जेक्टिव को लेकर के। दूसरा, आप हार्ड वर्क कितना कर रहे हो। अगर आपकी प्लानिंग परफेक्ट है, आपका हार्ड वर्क परफेक्ट है, आपका डेडिकेशन अच्छा है, तो आप कंफर्म अपने उस एग्ज़ाम को लेकर के सक्सेस होंगे ही होंगे। आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती है सक्सेस होने में। तो आज का जो लेक्चर है अपना, वो इसी प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। नो डाउट, हार्ड वर्क तो आप करेंगे ही करेंगे, वो इसी प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। आज के लेक्चर में हम प्लान करेंगे कि हम थ्रू आउट द ईयर, कंप्लीट ईयर के अंदर हम अपने सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साथ में हम ये देखेंगे कि किन टॉपिक्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है हमारे लिए, ठीक है ना, कौन से टॉपिक्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए ज़रा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस से रूबरू करवा देता हूँ। फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर थ्रू आउट द ईयर हमारे पास में हम 10 यूनिट पढ़ेंगे, 10 यूनिट्स हैं हमारे पास में, ठीक है ना। उनमें पहली यूनिट है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, दूसरी यूनिट है हमारे पास में काइनेमेटिक्स, तीसरी यूनिट है लॉज ऑफ मोशन, चौथी यूनिट है वर्क एनर्जी एंड पावर, पांचवी यूनिट है रोटेशनल मोशन, छठी यूनिट है ग्रेविटेशन, सातवीं यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, कई बार थर्मल प्रॉपर्टीज भी बोल देते हैं, आठवीं यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स, नौवीं यूनिट है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और 10वीं यूनिट हमारे पास में है ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो हम प्लस वन के अंदर 10 यूनिट पढ़ेंगे थ्रू आउट द सिलेबस। अब देखिए, इन 10 यूनिट्स में, देखो पढ़ना एक अलग चीज़ है, उसको समझ करके इम्प्लीमेंट करना, एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उसकी प्रिपरेशन करना, सारी चीज़ें लेकर के चलना, वो एक अलग चीज़ है। आप हमारे देश के दो टफ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनमें एक आता है JEE और दूसरा जो एग्ज़ाम है आपका वो आ रहा है NEET। दोनों ही टफ एग्ज़ाम हैं। तो अगर आप इन दोनों को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, तो आपकी एक प्लानिंग है जो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, आपको किन टॉपिक्स पे कब कितना स्ट्रेस देना है, ये आपको पता होना चाहिए। एक प्लानिंग है जो इन एग्ज़ाम्स को इजीली क्रैक करवा सकती है। अब देखिए, प्लानिंग में हम क्या करेंगे, किस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना है, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में किन टॉपिक्स से, कहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए हुए हैं, किस तरह की आएंगे, ताकि हम सिलेबस के साथ उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस देता हूँ आपको JEE एडवांस के पेपर का। ये लास्ट जो है हमारे पास में, ये जो एडवांस का पेपर है हमारे पास में, लास्ट 10 ईयर का ये एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस एनालिसिस के अंदर क्या है, प्लस वन और प्लस टू दोनों का ही सिलेबस है, पर हम अपना फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लस वन के ऊपर, ठीक है ना। देखिए ज़रा, मैं जूम कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है स्क्रीन पे। देखिए, पहला यहाँ पर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 10 साल में से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हमारा प्लस टू क्लास में पढ़ेंगे हम। लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी, 10 साल में से 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये हम लोग प्लस वन क्लास में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, 10 साल में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी हम पढ़ेंगे प्लस वन क्लास में। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट मैग्नेटिज्म, इसमें क्या है, फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स हम पढ़ेंगे प्लस वन में, मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे प्लस टू क्लास के अंदर। वेव्स हम पढ़ेंगे प्लस वन में, 22 क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स हम पढ़ेंगे प्लस टू क्लास में। करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस टू क्लास में। थर्मोडाइनमिक्स हम पढ़ेंगे प्लस वन क्लास में, 19 क्वेश्चन 10 साल में इससे पूछा जा चुका है, ठीक है। न्यूक्लियाई हम पढ़ेंगे प्लस टू क्लास के अंदर, 17 क्वेश्चन इससे पूछा गया है। एटम पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी प्लस टू क्लास के अंदर ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड, 16 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, प्लस वन क्लास में पढ़ेंगे। ऑसिलेशंस 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लस वन क्लास में पढ़ेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है प्लस वन क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्लस टू क्लास में पढ़ेंगे। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन प्लस टू क्लास में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन प्लस वन क्लास में पढ़ेंगे। एटम्स
प्लस टू क्लास में पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, प्लस वन क्लास में पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, प्लस टू क्लास में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स भी प्लस टू में है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्लस वन क्लास में है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी हमारे पास में कहाँ है, प्लस वन क्लास के अंदर है। देखिए मैं इसका ज़रा एनालिसिस आपको अब ज़रा डिटेल में देखता हूँ कि प्लस वन क्लास के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे उन चीज़ों को हम यहाँ पर अरेंज करने वाले हैं। देखिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। प्लस वन क्लास के अंदर हमारा एक सेक्शन आएगा मैकेनिक्स, अभी मैं बताऊंगा अभी कि उस मैकेनिक्स में क्या क्या इंक्लूड है। देखिए उस मैकेनिक्स में आपका देखो यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये मैकेनिक्स में इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM प्लस वर्क एनर्जी पावर मैकेनिक्स का। उसके बाद रोटेशनल मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये भी आपका मैकेनिक्स का ही पार्ट है। उसके बाद में अगर हम आगे चलें मैकेनिक्स के अंदर तो यहाँ से आगे चलते हैं हम आगे चलते हैं थर्मोडाइनमिक्स हो गया, चलो इसको हम एक बार सेपरेट कर देते हैं। मान लीजिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, तो जो मोशन है इन प्लेन प्लस में स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या है आपके पास में मैकेनिक्स का ही पार्ट है, ठीक है ना। अब अगर आप देखें यहाँ पर, देखिए मैकेनिक्स के अंदर कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, NLM और वर्क एनर्जी पिछले 10 साल में टोटल 26 क्वेश्चन इसके आ चुके हैं, रोटेशनल मोशन के पिछले 10 साल में 25 क्वेश्चन आ चुके हैं, फ्लूइड से 16 क्वेश्चन आ चुके हैं, मोशन इन प्लेन से हमारे पास में 11 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर थर्मोडाइनमिक्स, क्योंकि ये भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है, मोशन की स्टडी कर रहे हैं हीट के केस में एक तरह से देखें तो हम, ठीक है ना, तो अगर आप थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो 19 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 10 साल में। तो ओवरऑल देखें अगर आप, हमारे पास में टोटल कितने नंबर का काम जो है वो मैकेनिक्स से बन चुका है, चलिए ज़रा देखते हैं हम ओवरऑल कितने नंबर का काम मैकेनिक्स से बन चुका है हमारा। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल 97 क्वेश्चन हमारे अकेले मैकेनिक्स से फ्रेम हुए हैं जेई के पेपर में, ठीक है ना। तो जेई के पेपर में 97 क्वेश्चंस आपके मैकेनिक्स से फ्रेम हुए हैं, तो सोचिए मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा जेई को लेकर के। तो आप इनिशियल स्टेज पर ही, जैसे ही आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, सबसे पहले आप मैकेनिक्स पे ग्रिप बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब चलिए जरा एक बार फिर से एनालिसिस देखते हैं हम यहाँ पर। हमारे पास में टोटल 10 यूनिट हैं यहाँ पर जिनको हम कवर करेंगे, और अगर मैं इन 10 यूनिट्स की बात करूँ तो देखिए जेई के लिए हम देख रहे हैं, अभी आगे आकर के नीट के लिए भी देखेंगे। तो जेई के पेपर में हम देखें, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, चलिए हमारे पास में मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है ना, मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और इस सिलेबस से जो मैकेनिक्स आपका बनाएगा, मैकेनिक्स जो बनेगा आपका इस सिलेबस से, वो मैकेनिक्स आपका बनेगा काइनेमेटिक्स, यहाँ देखिए यूनिट टू, प्लस में लॉज ऑफ मोशन NLM यूनिट थ्री, यूनिट फोर जो कि वर्क एनर्जी है आपके पास में, वेट अ मिनट, ठीक है, यूनिट फोर वर्क एनर्जी, यूनिट फाइव सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, यूनिट सेवन में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, यूनिट सेवन में आपके पास में फ्लूइड, ये सारे मिलकर के आपका मैकेनिक्स बनाएंगे, साथ में थर्मोडाइनमिक्स। तो देखिए यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, आपके यूनिट फाइव, यूनिट सेवन्थ का एक पार्ट फ्लूइड वाला, और यूनिट एट्थ, तो ये सारे मिलकर के आपका मैकेनिक्स बनाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जेई मेंस के और एडवांस दोनों के परस्पेक्टिव से मैकेनिक्स। इसके अलावा एक स्मार्ट प्लानिंग भी ज़रूरी है। आप पहली यूनिट को देखिए, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, उस पहली यूनिट के अंदर आपका एक टॉपिक है डायमेंशंस। डायमेंशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, एडवांस में भी पूछा जाता है और मेंस में भी आता है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा डायमेंशन से, और बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा चाहे वो नीट ही क्यों ना हो। तो ये टॉपिक नीट एज वेल एज जेई दोनों के परस्पेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना, डायमेंशंस। चलिए हम आगे देखते हैं अपना
और हम आगे अपना एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं नीट के पेपर के लिए, ठीक है ना। तो नीट के पेपर को देखता हूँ मैं, नीट के पेपर का सिर्फ 2019 का एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2019 के एनालिसिस में, तो देखिए मैकेनिक्स से टोटल 17 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं अकेली मैकेनिक्स से। उसके बाद हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से हैं 3 क्वेश्चन यहाँ पर। तो टोटल ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 20 क्वेश्चन तो अकेले यहाँ पर आपके मैकेनिक्स प्लस हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से बने हुए हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से हो गए हैं 3 क्वेश्चंस, बाकी सारा आपका प्लस टू का सेक्शन है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो। हाँ, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैकेनिक्स कितने इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी। अगर आप नीट परस्पेक्टिव से भी देख रहे हैं तो नीट के अंदर अकेले 20 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स ने कवर किए हैं, ठीक है ना। नीट में फिजिक्स में टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं, और आउट ऑफ 45 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो आपके अकेली मैकेनिक्स कवर कर रही है। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि मैकेनिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो नो डाउट हम अपना आगे वीडियो लेक्चर में सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, पर सिलेबस को कंटिन्यू करने से पहले ज़रूरी है हमारे दिमाग के अंदर एक लेआउट फिट हो जाए। और वो लेआउट क्या है कि हमें किस यूनिट को किस तरह से पढ़ना है, वो ज़रूरी है कि हमें किस यूनिट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उस लेआउट के परस्पेक्टिव से मैंने आपको ये थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस दिया है, ताकि आपके दिमाग में सिलेबस के साथ ही बैठ जाए कि हमें किस सेक्शन को कितना स्ट्रेस दे करके प्रिपेयर करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम डायमेंशंस की बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।